वह अक्षय तृतीया है। यह दिन का इतना अच्छा महत्व है, सोने का खरीदना भी अति शुभ माना गया है। बाबा, अक्षय तृतीया कब मनाया जाएगा और इस दिन लोग सोना की कब खरीदारी कर सकते हैं, क्या शुभ मुहूर्त है? सबसे पहले कि अक्षय तृतीया इस वर्ष 10 मई 2024 को मनाया जाएगा। कहा जाता है अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश होता है और रोहिणी नक्षत्र में इसका एक अलग महत्व है, और रोहिणी नक्षत्र में इस पर्व को करने से हजार गुना फल की प्राप्ति होती है। इसमें सबसे पहले वर्तमान में जो है वो खरीदारी पर विशेष जोर दिया गया है, उसमें भी सोने की खरीदारी पर। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया में लोग सोने की खरीदारी करें तो बहुत अच्छी बात है। जिस प्रकार हम लोग धनतेरस के दिन सोने की खरीदारी करते हैं, क्योंकि उस दिन माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है, उसी प्रकार अक्षय तृतीया में यह भगवान विष्णु का दिन माना जाता है, और अर्धांगिनी है माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के, तो नाम ही है अक्षय, जिसका कोई सीमा नहीं है। इसमें इस बार का जो 10 मई 2024 का जो अक्षय तृतीया जो पड़ रही है, इसमें कई योग अंकित हैं। गजकेसरी योग, सुकर्मा योग, शशि योग, ये तीनों योग जो है बहुत ही अत्यंत शुभ फलदायक माना जाता है, जो कि शास्त्र के मुताबिक इस योग का प्रारंभ सुबह से ही शुरू हो जाती है। जहाँ तक खरीदारी की बात है तो 5 बजे सुबह तो कोई दुकान खुलती नहीं है, दुकान जब भी खुलेगी 9 बजे 10 बजे के बाद ही खुलेगी। तो जब भी आप खरीदारी करने के लिए जाएं, दिन भर का जो योग है वह योग आपको शुभ फल प्राप्त करेगा और उससे आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। तो ये खरीदारी से पहले मैं ये अक्षय तृतीया के बारे में कहना चाहता हूँ, इसका महत्व, ये खरीदारी के लिए इसका महत्व बहुत कम है। इसकी महत्व जो है यह पुण्य कमाने की महत्व है। हम लोग जो सनातन धर्म के लोग हैं, इस अक्षय तृतीया को अक्षय की प्राप्ति करना चाहते हैं, और ये सभी आदमी चाहता है कि हम कष्ट क्लेश दुख से हमेशा दूर रहें। तो यह कैसे संभव है? बिना धर्म के ये संभव नहीं है। जब तक आप धर्म नहीं कीजिएगा तब तक हमारा कष्ट क्लेश दुख समाप्त नहीं है। तो धर्म के लिए समय चाहिए, धर्म के लिए कैसा मुहूर्त चाहिए, जो धर्म अगर हम करें उस धर्म का हजार गुना फल हमको मिले। तो ये अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी की आराधना की जाती है। एक चीज और है, इसी अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जयंती भी मनाया जाता है। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, और इस दिन हम लोग परशुराम जयंती जो मनाते हैं बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। भगवान परशुराम इस धरती को मेंटेन किया, लोग कहते हैं नरसंहार किए, जी नहीं, वो नरसंहार नहीं, जो अत्याचारी थे, जो इस धरती को कोलाहल में मचा दिए थे इस धरती पर, उसको मेंटेन करने के लिए कहता है जब जब धर्म की हानि होगी तब तब विधाता जन्म लेंगे यहाँ। तो इस धरती पर धर्म की हानि होने लगी थी तो भगवान विष्णु छठे अवतार में भगवान परशुराम के रूप में जन्म लिए, और इस धरती पर से अधर्म का नाश करने लगे और धर्म पर का पताखा फहराने लगे। इसलिए आज हम लोग परशुराम जी का जयंती अक्षय तृतीया के दिन मनाते हैं। जहाँ तक इसके साथ हम कहना चाहते हैं, इस दिन गंगा स्नान का सबसे उत्तम दिन माना जाता है, क्योंकि शास्त्र ने कहा है कि गंगा का जो अवतरित हुई थी वो अक्षय तृतीया के दिन धरती पर अवतरित हुई थी। तो इस दिन जहाँ तक हो सके अगर गंगा स्नान का मौका लगता है तो गंगा स्नान कर लें। गंगा स्नान के पश्चात उस दिन अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य करने के भी विधान रखा गया है, जिसमें अनाज का दान, वस्तु का दान, जल का दान, जल पात्र का दान सबसे उत्तम माना गया है। अगर आप गंगा स्नान करके आते हैं तो सबसे उत्तम दान है जल पात्र का दान।
पहले लोग क्या करते थे और आज भी लोग करते हैं, मिट्टी का सुराही इस दिन लोग दान देते हैं। क्योंकि जहाँ हम लोग जानते हैं कि मिट्टी की सुराही वो अपवित्र जल को भी पवित्र कर देता है, शुद्धता ला देती है और उस जल को ठंडा कर देता है। और ठंडा जल जब हम लोग पीते हैं इस गर्मी के मौसम में, आत्मा और मन सब तृप्त हो जाता है। जिसका आत्मा और मन तृप्त हो जाएगा वो तो आपको प्रेम से आशीर्वाद देगा ही, दीर्घायु भव, चिरंजीवी भव, सौभाग्यवती भव, कई आशीर्वादों से मन धारा की तरह निकलने लगता है और लोग आशीर्वाद देते हैं और वही आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ हम कहना चाहते हैं कि आज के ही दिन सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग का प्रारंभ की गणना हुई थी और इसी दिन से इस युग की गणना का प्रारंभ स्टार्ट हुआ। इसके साथ साथ एक और शुभ कार्य इस दिन होता है, अक्षय तृतीया के दिन बद्रीनाथ का पट भी खुलता है। तो हम सभी लोग उस अक्षय तृतीया के दिन भगवान बद्रीनाथ का यहीं से सुमिरन करेंगे कि प्रभु हमारे परिवार पर अपना विशेष कृपा रखना, हमारे समाज पर विशेष कृपा रखना, हमारे समाज के बंधु बांधव पर विशेष कृपा रखना, हमारे देश पर कृपा रखना, इस विश्व की शांति को बनाए रखना। इस बार शुभ मुहूर्त कितने बजे? इस बार जो है सोनी की खरीदारी का जो शुभ मुहूर्त है वो प्रातः काल से ही शुरू हो जाता है, मगर प्रातः काल में तो दुकानदार दुकान खोलेगा नहीं, इसलिए 9:30 बजे के बाद और 11:30 बजे तक आप खरीदारी का शुभ मुहूर्त है। उसके बाद 12:30 बजे से लेकर के 2 बजे दोपहर तक मुहूर्त है। इसके बाद सबसे लास्ट का जो मुहूर्त है वह संध्या 5:30 बजे से लेकर के रात्रि 9:30-10 बजे तक आप खरीदारी कर सकते हैं। तो सोने की खरीदारी आज के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और इसी दिन आप खरीदारी के साथ साथ शुभ कार्य भी करें, अन्न का दान करें, पंखा का दान करें, वस्तु का दान करें। इसके साथ आप जो पात्र है सुराही जिसे हमने कहा उसका दान कीजिए, सत्तू का दान कीजिए, दूध दही अनाज का दान कीजिए तो 1000 गुना फल आपको मिलेगा। परिचय बताएं। मेरा नाम पंडित मनोत्पल झा, ज्योतिषी महाराज जी हाथ।